प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, स्वागत है आप सबका होली गोस्ट प्रोडक्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। डेली वर्ड ऑफ गॉड के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट प्रोडक्शन को। आज का वचन जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है, परमेश्वर की हुजूरी में जाने का तरीका। मत्ती 5:22 में लिखा है, उस देश से कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हिजकिय्याह से कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना को सुना है और तेरे आंसू देखे हैं। मेरे प्रियो, वह उसके द्वारा किए हुए भले काम थे जिन्हें देखकर परमेश्वर ने उससे कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसुओं को देखा, इसलिए परमेश्वर ने उसको उस बीमारी से चंगा किया और उसकी उम्र 15 साल और बढ़ाई। याद रखें, परमेश्वर भावुक नहीं बल्कि आत्मिक है। हिजकिय्याह को पता था कि उसने परमेश्वर के सामने किस तरह से जाना है। उसी तरह से जब आप बाइबल में ऊपर लिखे हुए वचन को पढ़ते हैं तो लिखा है कि एक औरत प्रभु यीशु मसीह के पास आई जिसकी बेटी बीमार थी। उसने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर उन्हें गिरकर प्रणाम किया। प्रणाम का यूनानी भाषा में मतलब होता है आराधना, यानी कि उस औरत ने परमेश्वर की आराधना की और उसकी उस आराधना के कारण प्रभु यीशु मसीह ने उसको उस बेटी को दुष्ट आत्मा से आज़ाद किया। उस औरत को भी पता था कि उसने परमेश्वर से अपनी बेटी की चंगाई को किस तरह से लेना है। मेरे प्रियो, अगर एक व्यक्ति किसी जरूरी काम से किसी ऑफिसर या MLA के पास बैठा हो और उसे उस जगह पर बैठे हुए बार बार फ़ोन कॉल आए और वह व्यक्ति फ़ोन सुनने के लिए बार बार उठ रहा हो तो उस ऑफिसर की नज़रों में वह मूर्ख गिना जाएगा, क्योंकि आप उसके पास जाकर उसे सम्मान नहीं दे रहे। फिर वह गुस्सा करेगा और जिस काम के लिए आप उसके पास गए थे वह जल्दी नहीं होगा। उसी तरह से आप प्रार्थना में बैठे हुए बार बार अपने फ़ोन को ही देखते रहेंगे तो इसका मतलब है कि आप परमेश्वर और उसकी हुजूरी का सम्मान नहीं कर रहे। अगर आपको पता नहीं कि परमेश्वर के सामने किस तरह से जाना है तो आपकी आशीषें देरी हो सकती हैं। आप एक बात भूल जाते हैं कि आप राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, प्रधानमंत्रियों के प्रधानमंत्री की हुजूरी में बैठे हैं। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि आप बड़े कामों को करने के लिए बुलाए गए हैं, लेकिन आप बड़े बड़े कामों को तभी कर सकते हैं जब आप लगातार हर रोज परमेश्वर की हुजूरी में बैठेंगे, क्योंकि परमेश्वर के सामने हर रोज जाने के द्वारा आप सामर्थ्य को पाएंगे ताकि आप बड़े काम कर सकें। इसलिए आज आपको परमेश्वर की हुजूरी में बढ़ने की ज़रूरत है। जब आप अपना संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत करेंगे फिर आप उन आशीषों गवाहियों को ग्रहण करेंगे जो आपने पहले कभी अनुभव नहीं की होंगी। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करें। आमीन। घोषणा करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम में मैं घोषणा करता हूँ परमेश्वर कि जितने भी लोग आपके वचन को पढ़ या सुन रहे हैं उनके जीवन में यह वचन बहुत सारा फल लेकर आए या आपकी हुजूरी में जाने की अहमियत को समझ सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन आमीन।